हेलो पीपल वेलकम टू माय चैनल आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है समन केस वारंट केस कंप्लेंट एफआईआर इंक्वायरी ट्रायल इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल्सो पुलिस रिपोर्ट सो लेट स्टार्ट लेट अस नो व्हाट इज समन अ अटर्न नोटिफिकेशन Issued by a civil court requiring that one must appear before the court in prescribed manner. It is issued by a court are in writing. In duplicate, signed by the presiding officer of court or other officer as the High Court may direct and shall bear the seal of the court. Its legal document issued by a court on a person involved in a legal proceeding. It served on a person against whom legal action taken or any witness of legal proceeding. A summons served on defendant by plaintiff to ensure fair trial. If the summons not duly served, then no action lies against the defendant. Summons case means a case relating to an offence and not being a warrant case. In the Code of Criminal Procedure, CRPC, section 61 to 69 deals with summon case. अ केस इन विच द ऑफेंस इज़ अ माइनर वन फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर में विदाउट अरेस्ट नोटिफाई पर्सन टू अपीयर इन कोर्ट एट अ फिक्स टाइम एंड प्लेस अब समन केस को मैं ईजी वे में बता देती हूँ जैसे कि अभी हम लोग बस शॉर्ट और ब्रीफ में समझ रहे हैं तो हम लोग समन केस का बस इतना समझ लेते हैं कि सेक्शन टू डब्ल्यू में एक शॉर्ट डेफिनेशन दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो समन केस है वो ऐसे ऑफेंसेज हैं जिनको वारंट केस नहीं कहा जाता है वारंट केस नहीं कहा जाता है क्योंकि उनकी पनिशमेंट जो है वो दो साल या दो साल से कम होती है या विथ फाइन होती है मतलब वो सीरियस क्राइम्स नहीं होते हैं माइनर क्राइम्स के लिए सामन इशू किया जाता है जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो बिना किसी अरेस्ट के किसी पर्सन को नोटिफाई कर सकती है कि आपको कोर्ट में पेश होना है इस टाइम पे और इस जगह पे दैट्स ऑल अब थोड़ा सा वारंट केस देख लेते हैं वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पानिशेबल विद डेथ इम्प्रजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग टू ईयर्स इसको अगर सिंपल वे में समझें तो वारंट केस जो है हमारे सेक्शन टू एक्स में डिफाइंड है जिसमें यह कहा गया है कि वो ऑफेंसेस जो पानिशेबल विद डेथ हैं या फिर जिनकी इम्प्रजनमेंट फॉर लाइफ है या वो इम्प्रजनमेंट जि जिसमें सज़ा दो साल से ज़्यादा की है तो ऐसे केसेस में वारंट इशू किया जाता है जो कि सीरियस क्राइम्स है हिन्स क्राइम्स या सीरियस क्राइम्स में वारंट इशू किया जाता है और उन केसेस को वारंट केसेस कहा जाता है अब थोड़ा सा एक चार्ट देख लेते हैं समन केस का मीनिंग ऑफ समन केस समन केस इज अ केस फॉर विच पनिशमेंट इज़ लेस देन टू ईयर्स समन केस का मतलब है जिसकी पनिशमेंट दो साल से कम होती है वो समन केस होते हैं प्रोसीजर क्या है सीआरपीसी में प्रोसीजर दिया गया है और उसमें सिर्फ एक ही प्रोसीजर है समन केस का अब चार्जेस चार्जेस क्या है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज़ नॉट नेसेसरी एज द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस इज लेसर इसमें क्या है फॉर्मल जो एक चार्ज बनता है वो नेसेसरी नहीं होता है फ्रेमिंग ऑफ अ फॉर्मल चार्ज इज़ नॉट नेसेसरी क्योंकि ये जो ऑफेंस है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस नहीं होते हैं समन केसेस में बहुत ही माइनर ऑफेंसेस होते हैं इसलिए इसमें चार्जेस को फ्रेम करना जरूरी नहीं होता है अब कन्वर्जन एक समन केस जो है कैन बी ट्राइड एज अ वॉरेंट केस इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस समन केस को कन्वर्ट करके वारंट केस बना दिया जा सकता है अ समन केस कैन बी कन्वर्टेड टू अ वारंट केस विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट इन समन केस इफ कम्पलेट विदड्रॉज द कंप्लेंट दैन द एक्यूज विल बी रिलीज समन केस क्या माइनर केसेस होते हैं तो इसमें अगर जो कंप्लेनेंट है वो अपने केस को विदड्रॉ कर लेता है कंप्लेंट को विदड्रॉ कर लेता है तो जो एक्यूज है उसको रिलीज कर दिया जाएगा नाउ लेट्स अ चार्ट ऑफ वॉरेंट केस वॉट इज द मीनिंग ऑफ वॉरट केस वॉरट केस इज अ केस फॉर विच पनिशमेंट इज मोर देन टू ईयर्स वारंट केस वो केसेस होते हैं जिनकी सज़ा दो साल से ज़्यादा की होती है प्रोसीजर क्या है टू प्रोसीजर्स आर गिवन वन इज़ ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस ऑन पुलिस रिपोर्ट एंड सेकेंड इज़ ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस अदर देन द पुलिस रिपोर्ट प्रोसीजर इसमें दो दिए गए हैं वारंट केस के एक वो है जिसमें पुलिस रिपोर्ट की बेसिस पे इंस्टीट्यूट किया जाएगा और एक ऐसे केस जो कि पुलिस रिपोर्ट के अलावा आएंगे चार्जेस फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इज मैंडेटरी एज वॉरेंट केस इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस हुज ग्रेविटी इज मच हायर देन द समन केसेस। अब कन्वर्जन देखते हैं कन्वर्जन ऑफ वॉरेंट केसेस इनटू समन केस इज़ वेरी रेयर बट इट कैन बी डन बाय द कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अगर कोर्ट चाहेगी तो वो वारंट केस को समन केस में कन्वर्ट कर सकती है लेकिन यह बहुत ही रेयर होता है बहुत रेयर समन केस वारंट केस बन सकता है लेकिन वारंट केस को समन केस बनाना बहुत ही रेयर है ऐसे बहुत रेयर केसेस में होता है विड्रोल ऑफ कंप्लेंट इन वारंट केस इफ़ कंप्लेनेंट विड्रॉज द कंप्लेंट, देन एक शल नॉट बी रिलीज वारंट केस में यह दिया गया है कि विड्रोवल ऑफ कंप्लेंट अगर कंप्लेनेंट केस को विड्रॉ कर भी लेता है तो भी जो एक्यूज है उसको रिलीज नहीं किया जाएगा वारंट केसेस में ओके लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंप्लेंट सेक्शन टू डी डील्स विद कंप्लेंट कंप्लेंट इज दैट विच डील्स इन बोथ काग्निजल एंड नॉन काग्निजिबल ऑफेंसेस मैजिस्ट्रेट एग्जामाइंस द कंप्लेनेंट ऑन ओथ बिफोर डीलिंग विद इट पुलिस रिपोर्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन कंप्लेंट मस्ट बी अगेंस्ट सम पर्सन नोन और अन नोन इट मस्ट बी मेड टू अ मैजिस्ट्रेट इधर ओरली और रिटर्न मस्ट हैव बीन मेड विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट द पर्सन एलेक्ट तो कंप्लेन जो है वो दोनों केसेस में किया जा सकता है कॉग्निजिबल केसेस में भी नॉन कॉग्निजिबल केसेस में भी और जो मैजिस्ट्रेट है वो कंप्लेनेंट को ओथ पे एग्जाम करता है बिफोर उसको डील करने से पहले मतलब उस केस को डील करने से पहले या उस केस को देखने से पहले मजिस्ट्रेट जो है वो कंप्लेनेंट को ओथ पे एग्जाम करता है पुलिस रिपोर्ट इसमें इंक्लूड होना ज़रूरी नहीं है और जो ये कंप्लेंट किया जाता है वो किसी पर्सन पे होना चाहिए चाहे वो नोन हो या अन हो और ये जो कंप्लेंट है वो मैजिस्ट्रेट को जाता है चाहे वो ओरली हो या रिटर्न लिखित में हो या मुँह से बोला हुआ हो मस्ट है व्यू मतलब जो कम्प्लेट है उसमें ये उस सामने वाले का एक इंटेंशन एक व्यू होना चाहिए कि दूसरे पर्सन जिसके ऊपर उसने कम्प्लेन किया है उसके लिए कोई एक्शन लिए जाए ओके सो लेट सी वट अक्सट लाइट टॉक्स अबाउट इट्स एफ आई आर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफ आई आर डील्स विद कॉगनीबल केसेस इट इज गिवन टू पुलिस हु डज नॉट एग्जामिन द इंफॉर्मर ऑन ओथ पुलिस रिपोर्ट इज इंक्लूडेड इन एफ आई आर प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ एफ आई आर इज डिस्क्लोजर ऑफ ऑफेंस इट इज़ प्योरली अ मैटर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स डिस्क्रीशन टू एक्ट और नॉट एक्ट ऑन एन इंफॉर्मेशन अगर एफ आई आर को किसी दूसरे लैंग्वेज में समझें तो सिंपली वो ये बोल रहा है कि एफआईआर जो है वो डील करता है कांग्नेजबल ऑफेंसेज में कांग्जिबल ऑफेंसेज का मतलब मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में जिसका ये मतलब है कि सीरियस ऑफेंसेस में डील करता है एफआईआर सीरियस ऑफेंसेस में किया जाता है और वो उस एफआईआर में पुलिस जो है वो इनफॉर्मर को ओथ पे एग्जामिन नहीं कर सकती पुलिस का काम है रिपोर्ट लिखना इंफॉर्मेशन लिखना दैट्स ऑल जो प्रिंसिपल एलिमेंट है मेन फोकस जो है एफआईआर का वो होता है किसी ऑफेंस को डिस्क्लोज करना और पावर मैजिस्ट्रेट के पास है मतलब मजिस्ट्रेट का ये मैटर है कि मजिस्ट्रेट उस इंफॉर्मेशन पे कुछ कार्रवाई करना चाहता है एक्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है इट्स टोटली बेस्ड ऑन द मैजिस्ट्रेट्स डिस्क्रिप्शन ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज पुलिस रिपोर्ट सेक्शन टू आर नाउ लेट्स सी व्हाट इज पुलिस रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाई पुलिस ऑफिसर टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन टू ऑफ सेक्शन 173 सेवनटी थ्री ऑफ सी पुलिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एक रिपोर्ट बनाया जाता है बाय पुलिस जो कि फॉरवर्ड किया जाता है एक मजिस्ट्रेट को सेक्शन 173 सेवनटी थ्री सब सेक्शन टू ऑफ सी के तहत इसमें क्या क्या होता है इट इंक्लूड्स नेम ऑफ पार्टीज नेम ऑफ इंफॉर्मेशन के वो ऑफेंस किस चीज़ पर हुआ है नेम्स ऑफ पर्सन एकड विद द सर्कमस्टेंसेज उस सरकमस्टेंस में कौन से परसेंस थे उनके नेम्स वेदर एनी एनी ऑफेंस अपेयर्स टू हैव बीन कमिटेड कोई ऑफेंस कमिट हुआ भी है या नहीं एक्यूज जो है वो अरेस्ट हुआ है या नहीं वेदर ही हैज़ बीन रिलीज ऑन बेल वेदर ही हैज़ बीन कन्विक्ट वो रिलीज़ कर दिया गया है बेल पे या नहीं किया गया है तो ये सारी रिपोर्ट बनाई जाती है पुलिस के द्वारा पुलिस बनाती है रिपोर्ट और मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करती है दिस इज बेसिकली पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन टू आर ऑफ सीआरपीसी अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो टॉपिक है इंक्वायरी सेक्शन टू जी सेक्शन टू जी डील्स विद इंक्वायरी इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर अ सी आर पी सी बाई अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट एन इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाई अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट फॉर एसर्टनिंग, फॉर वेरीफाइंग द फैक्ट्स विद व्यू टू टेक एक्शन अंडर दिस कोर्ड तो सी आर पी सी जो है अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट जो है वो उसमें ये बताया गया है कि इंक्वायरी जो है सारी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कन्नड सी आर पी सी जो कि मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा कराई जाती है इसमें बस सिंपली ये होता है कि कोर्ट या मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर करती है कि के जो केस के फैक्ट्स हैं वो प्रॉपर हैं एक्शन लेने लायक हैं या नहीं है तो ये इंक्वायरी जो है वो किसी भी केस का फर्स्ट स्टेज माना जाता है जिसमें ये डिसाइड होता है कि चार्ज बनेगा या डिस्चार्ज हो जाएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इन्वेस्टिगेशन दिस इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ अ केस सेक्शन टू एच ऑफ सी आर पी सी डील्स विद इन्वेस्टिगेशन इट इंक्लूड्स अरेस्ट

इन्वेस्टिगेशन जो है वो मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकता है किसी पर्सन को किसी पुलिस ऑफिसर का किसी पुलिस ऑफिसर को लेकिन मजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है इसमें जो पर्सन है उसको अरेस्ट या डिटेन किया जाता है जिसमें एविडेंस कलेक्ट करना पड़ता है ओके टू नेक्स्ट स्लाइड दिस इज द थर्ड स्टेज द ट्रायल ट्रायल को थर्ड स्टेज माना जाता है किसी केस का द वर्ड ट्रायल हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द सी आर पी सी सी आर पी सी में ट्रायल वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है इट जनरली मीन्स अ जुडिशियल प्रोसीडिंग ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है एक प्रोसेस है ट्रायल सच प्रोसीडिंग इज इधर एंडेड इन कन्विक्शन और एक्विटल ट्रायल जो है वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है एक प्रोसेस है जिसमें जो केस है वो एंड होता है या तो कन्विक्शन में या एक्विटल में कन्विक्शन का मतलब है कि जिसमें Uh, दोषी करार दिया जाता है और एकटल मतलब जो दोषी या जो निर्दोष है तो ट्रायल बस एक जुडिशियल प्रोस प्रोसीडिंग है इतना ही समझते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो आई होप माई वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल टू यू प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स